चैत्र नवरात्र को लेकर दुर्ग के प्राचीन चंडी मंदिर में ज्योति कलश प्रज्वलित करने तैयारियां अंतिम चरण पर है, जिसको लेकर इस बार 2500 ज्योत प्रज्वलित किए जाएंगे। हर साल की तरह इस साल भी दुर्ग के प्राचीन चंडी मंदिर में चैत्र नवरात्र को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही है। हर बार की तरह इस बार भी मंदिर परिसर में छत्तीसगढ़ के साथ देश विदेश से अपनी मनोकामना पूरी होने की चाहत लिए श्रद्धालुओं ने मंदिर में ज्योति कलश जलवाए हैं, जिनकी संख्या 2500 है, जिसे लेकर मंदिर में तैयारियां की जा रही है। मंदिर परिसर में होने वाली तैयारियों को लेकर मंदिर के पुजारी फणीन्द्र शर्मा ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मंदिर में 2500 मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में नवरात्र के पहले दिन सुबह 6 बजे से ज्योति प्रज्वलित किए जाएंगे। इसके साथ ही पूरे 9 दिन माता के समक्ष धार्मिक आयोजन किए जाएंगे। इस संबंध में मंदिर के पुजारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ये अभी चैत्र नवरात्र जो है 22 मार्च से प्रारंभ है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है 2500 ज्योत जो है प्रज्वलित किया जाएगा। और यहाँ जो ज्योत है सुबह 5 बजे मतलब ज्योत प्रज्वलित हो जाती है। और अभी सब ये पूजा की तैयारी चल रही है यहाँ पर। यहाँ छत्तीसगढ़ के अलावा बहुत से दूर दूर से लोग जो है यहाँ माता जी में ज्योत प्रज्वलित कराते हैं। देश विदेश से भी है, देश भर से है, हर जगह से यहाँ ज्योत प्रज्वलित कराने के लिए श्रद्धालु आते हैं। और अभी 9 दिन जो है माता जी की विशेष पूजा होती है और श्रद्धालु भी जो है हज़ारों की मात्रा में यहाँ पर दर्शन करने के लिए, माता के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ आते जाते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्गा सेना सिंह फारूकी की रिपोर्ट।